दोस्तों ये कल्पना आज बाजार जाकर आई अपने पापा के साथ। क्या लेकर आई हो? ये देखिए आज फिर से आइसक्रीम। उस दिन बोला था कि अब फिर से नहीं लेकर आऊंगी, नहीं बोलूंगी आइसक्रीम लाने के लिए। आज फिर से लेकर आई है। ये देखो अंदर से ऐसे निकलती है। और ये आम खरबूजे, और इसके अंदर क्या है? अंदर से ऐसे दो तेरी खा ले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों अभी सुबह सुबह दूध आ गए हैं और आज हम बनाएंगे आम का जूस। आम का जूस इस सीजन का पहली बार बना रहे हैं, क्योंकि पहले आम मीठे नहीं थे इतने, अभी एकदम मीठे आम आ गए हैं। तो आज जूस बनाएंगे। तो ये देखिए, ये दो आम ले लिए मैंने, अब इनको अच्छे से छील लेते हैं ऊपर से। तो ये देखिए मैंने आम को छील लिया है, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से काट लिए मैंने आम को छोटे छोटे टुकड़े। तो 6 चम्मच चीनी मैंने इसमें डाल दी है और हमें इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए आम को मैंने मिक्सी के जार के अंदर पीस लिया है, अब इसमें हम डालेंगे दूध। और ये लगभग 2-2.5 गिलास दूध डाल दिया मैंने इसके अंदर, अब इसको दोबारा पीसेंगे। तो ये देखिए हमारा जूस बनकर तैयार है। ये जूस बनकर तैयार है, अब इसमें हम ये आइस क्यूब डाल देते हैं। दोस्तों जूस तो बना लिया है और अभी वंदना के बाल बना रही हूँ। कल्पना के अभी बाल गीले हैं, तो अभी बाल बनाए नहीं है, पहले जूस पी लेगी। जूस स्वादिष्ट है ना? दोस्तों बच्चों ने जूस पी लिया है और इनका टिफिन भी मैंने पैक कर दिया है और अभी मैं इनको स्कूल छोड़ के आ रही हूँ। चलो। तो दोस्तों बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने सारे घर के काम निपटा लिए हैं और आज बना रही हूँ मैं राजमा और चावल। राजमा चावल बनाए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, तो आज हम राजमा चावल बनाएंगे। राजमा चावल बनाने के लिए मैंने कल रात को ही राजमा को भिगो के छोड़ दिया था और अभी इनको थोड़ा हम उबाल लेंगे। तो ये देखिए राजमा को मैंने भिगो के छोड़ दिया था, अच्छे से इनको धोकर उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इनको धो लिया है और अब इनको थोड़ा उबलने के लिए चढ़ा देते हैं पानी डालकर। तो उबलते हुए राजमा में हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और ये 1 तेजपत्ता डाल देंगे। तो दोस्तों मैंने राजमा बनाने के लिए लहसुन को छील लिया और कूट लिया है, बारीक प्याज काट लिए हैं और मिक्सी के जार के अंदर मैं टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ, 3 टमाटर काट लिए हैं। तो ये देखिए मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है, राजमा हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। राजमा बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम जीरा डाल देते हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, अब हम इसमें ये लहसुन डाल देंगे कटा हुआ, और लहसुन और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ दूसरे गैस पर मैंने चावल बनने के लिए चढ़ा दिए थे, चावल भी हमारे बन चुके हैं, ये देखिए एकदम खुले खुले चावल। तो लहसुन और प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने 1 चम्मच पहले डाल दिया था राजमा के अंदर। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पका लेते हैं। मसाले को अच्छे से भून लिया है तो अब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे। ये प्यूरी एकदम अच्छे से पक चुकी है तो अब इसमें राजमा डाल देते हैं और ये जो पानी है इसका ये साथ में ही डालेंगे। अब इसको हम पकने देते हैं। दोस्तों अभी राजमा बन रहे हैं,
राजमा बनाएगा। हाँ। के खुशी बनाएगा। बस ये खाने जी करके बना ली। जी कर दे रात हो। बस अभी संभालने जा रही हूँ, चावल भी बन गए हैं और राजमा भी बन गए हैं, बस बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, जाओ थे छोरियां लियो इतन बन जी। तो दोस्तों राजमा बनकर तैयार हैं और लोहे की कढ़ाई में बनाने का ये फायदा है कि कलर भी बहुत ही अच्छा आता है, जो भी हम सब्जी बनाते हैं चाहे राजमा बनाते हैं चाहे छोला बनाते हैं कलर बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, खुशबू अच्छी आवानी हो। तो ये राजमा हमारी बनकर तैयार है, गैस को बंद कर देते हैं। खुशबू तो बहुत जोरदार आ रही है, जोर की आवानी केटा भूख लगी डिजन ना आया क्या। चलो टेस्ट करके देख लिया था। तो ये देखिए हमारे चावल, तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से और खाना खा रहे हैं। और राजमा चावल कैसे बने? बहुत ही बढ़िया बने। बढ़िया बने आगे? आज कई दिनों बनाए हैं। बहुत ही यम्मी। राजस्थान की राबड़ी दही उन्याले की। इनको तो टेस्ट ही निराड़ो है। हेल्दी भी है। जोरदार है। ठंडी रहे उन्याले में। बहुत ही मिलो दही। दही राबड़ी मिक्स कर दे। ताली भर गया पेट अवानी। सर दो फर नींद आ चौकी। चौकी मिट्टी नींद आ। राबड़ी पी के सोड़ वाले। राबड़ी पीने में जीजू रह गया। यहाँ के। उन्हें राबड़ी है अपनी। यहाँ के। पीना चाहिए। पीना चाहिए। क्या? दोस्तों अभी खाना खाने के बाद मैं तो यहाँ पे आराम कर रही हूँ और उस वाले रूम में मैम आई हुई है बच्चों की, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए फ्रिज में से चोरी चोरी क्या खा रही है कल्पना, क्या खा रही हो? आइसक्रीम। ये आइसक्रीम कल शाम को लेकर आए थे है ना, वही है ना? कैसी है ये? स्वादिष्ट। करेले की आइसक्रीम है? करेले की होती तो खारी होती, स्वादिष्ट नहीं होती। इसका ग्रीन कलर है आइसक्रीम का, मुझे दिखाना इधर, इसका ग्रीन कलर है इसलिए ये बोल रही है कि ये करेले की आइसक्रीम है। रजवाड़ी पिस्ता गुल्फी, पिस्ता गुल्फी है इसलिए इसका कलर जो है ग्रीन कलर है थोड़ा, ये बोल रही है करेले की आइसक्रीम है। पिस्ता क्या होता है? पिस्ता होता है। और तुम्हारी मैम चली गई? दोस्तों जब तक मैम रहती है तो मैं इस कमरे में रहती हूँ और इस कमरे के अंदर कूलर नहीं है और यहाँ पर ये ठंडी ठंडी हवा आती है, कूलर चल रहा है इसमें, ये देखिए। तो अब मैम चली गई है तो अब मैं यहाँ पे आराम करेंगे। ये वंदना काम कर रही है अपना। वाह वंदना की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। कैसी आइसक्रीम बंधु? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट है। ये कल्पना बोल रही थी ये करेले की आइसक्रीम है। करेला खाया है कभी? नहीं। पता है कैसा होता है करेला? हमेशा तो सलाद बनावे नहीं। वो करेला नहीं, वो खीरा होता है। करेला एकदम खारा होता है, खारा। दोस्तों इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय।